हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली हमारे उन सेलर्स के लिए है जो सेलर्स हमारी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं वेबसाइट में। उनको सेलर पैनल दिखाने वाला हूँ, सेलर पैनल के बारे में समझाने वाला हूँ। इसके अलावा ये बताने वाला हूँ कि आप प्रोडक्ट्स किस तरीके से अपने अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेलर रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर सेल करने हैं तो आप कहाँ से उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं वो आप कहाँ से देखेंगे। देखिए, हमारी जो सेलर पॉलिसी हैं, जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी है हमारी, सेलर पॉलिसी है, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप रजिस्टर कहां से कर सकते हैं। देखिए, यहां पर ऑप्शन है सेलर लॉगिन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन है रजिस्टर हियर, इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो ये फॉर्म ओपन होगा। इस तरीके से फॉर्म आपको पूरा सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन में आप पहुँच जाएंगे, ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना है। इसके अलावा पेमेंट डिटेल्स में आप जाएंगे, यहाँ आपको अपनी पेमेंट डिटेल यानी कि आपकी बैंक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको देनी है। ठीक है, पेमेंट डिटेल, ये सारी डिटेल आप बिल्कुल सही तरीके से दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेमेंट डिटेल सही नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप जो भी सेल करेंगे उसका आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ओपन की हुई हैं। हम आपको इतनी यहाँ पर फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर बायर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बायर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए जल्दी से मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ सेलर पैनल, और मैं आपको आगे समझा देता हूँ इसके बारे में। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, अगर बायर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बायर्स यहाँ के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते। ये ऑप्शन सिर्फ सेलर्स के लिए है। ठीक है, बायर्स सिर्फ यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सेलर्स दोनों जगह से लॉगिन कर सकते हैं, सेलर्स को दोनों तरफ से एक जैसा ही पैनल मिलेगा, लेकिन बायर्स सिर्फ यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधे सेलर लॉगिन में और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आफ्टर लॉगिन आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये है हमारा सेलर डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, मैंने ये ऑप्शन आपके हाइड नहीं किए हैं, इनको चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक ही अपने अकाउंट से आप हमारी वेबसाइट चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आपका सेलर डैशबोर्ड है और यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा ये आपका डैशबोर्ड का मेन पेज है जहाँ आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। मैं एक एक करके आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए मैं जल्दी से इसको ऐसे ही कवर कर देता हूँ। देखिए, ऑर्डर्स के अंदर आपको अपने ऑर्डर्स शो होंगे, आपका स्टोर व्यू है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो जो भी मेरा स्टोर व्यू है वो यहाँ से शो होगा। फिलहाल मेरा जो स्टोर व्यू है वो इस तरीके से शो हो रहा है। जो भी मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा वो यहाँ शो होंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद तुरंत वो होम पेज पर पहुँच जाएंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा पेमेंट्स में आपके पेमेंट्स, जो भी पेमेंट बनता है वो शो होगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, इसमें ये मैं अभी कवर करूँगा। ये स्टोर इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको इसे सही तरीके से फिल करना है। देखिए, ये आपका लोगो है, स्टोर लोगो, जो आपके स्टोर फ्रंट पर यहाँ शो होगा, ये वो लोगो है। ठीक है, इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, फेसबुक, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारी डिटेल आपकी यहाँ स्टोर फ्रंट पर शो होने लगेंगी। ठीक है, ये तो फिलहाल डेमो है आपको दिखाने के लिए। ये बैनर है, ये बैनर आपका यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर बैनर है, आप देख सकते हैं। तो बैनर आप बहुत अच्छा चाहें तो बनाइएगा और यहाँ पर आप लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, आप जितना अच्छा बैनर बनाएंगे, अपना स्टोर फ्रंट जितना अट्रैक्टिव रखेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा आप जिन जिन कैटेगरीज में डील करेंगे वो सारी कैटेगरीज यहाँ पर शो होंगी। स्पेसिफिक मान लीजिए, अगर आप चार कैटेगरीज में ही अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिनमें आपने लिस्टिंग की है, तो वो चारों कैटेगरीज यहाँ पर शो होंगी। इसके अलावा अनदर कोई भी कैटेगरी शो नहीं होगी। तो आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है वो आपके स्टोर पर शो होगी। ठीक है, ऑल तो ऑल है ही है, और ऑल में सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, आपका स्टोर डिस्क्रिप्शन है जो आपको प्रॉपरली ऐड करना है। इसके अलावा आपका स्टोर एड्रेस जो आपको सही तरीके से फिल करना है, सारी डिटेल आपको फिल करनी है। रेड स्टार वाली एक भी डिटेल आप छोड़िएगा नहीं, वरना आप कुछ भी अपने स्टोर पर नहीं कर पाएंगे। स्टोर की शिपिंग पॉलिसी आपकी क्या रहेगी, ये आपको यहाँ पर ऐड करनी है। इसके अलावा आपका स्टोर की रिटर्न पॉलिसी क्या है, आप अपनी खुद की रिटर्न पॉलिसी भी बना सकते हैं।
हमने, जैसे मैंने कहा, पूरी फ्रीडम दी हुई है, तो आपकी सारी पॉलिसीज भी यहाँ पर शो होंगी स्पेसिफिक आपके स्टोर की, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स, स्टोर मेटा कीवर्ड्स आप देना चाहें तो मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके एसईओ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अच्छा दीजिएगा काफ़ी, ठीक है। स्टोर सेलर की बैंक डिटेल आ गई यहाँ पर, बैंक डिटेल आपको पेमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर देनी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। आपको यहाँ पर अपना जो जीएसटी नंबर है वो ऐड करना है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर, ठीक है। आप शिपिंग टाइप क्या रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने स्टोर पर शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं, फ्लैट रेट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्लैट रेट लग जाएगा प्रोडक्ट वाइज, मान लीजिए अगर आपको 70 रुपये लगाना है, 80 रुपये लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप फ्लैट रेट ना लगाइएगा, आप कोई भी शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ना लगाइएगा, क्योंकि शिपिंग चार्जेस, पहली बात तो मैंने अभी कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, और शिपिंग चार्जेस क्वांटिटी वाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो मान लीजिए अगर सेम प्रोडक्ट किसी ने 4 क्वांटिटी में परचेज किया, तो आपका सिंगल फ्लैट रेट लगेगा जो आपने यहाँ पर दिया है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो प्राइजेज हैं वो इंक्लूसिव रखिए, इंक्लूसिव रख, टैक्स तो एक्सक्लूसिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो प्राइजेज हैं आपके उनको आप इंक्लूसिव रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी टॉक टू लाइव की यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। टॉक टू मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टॉक टू इनेबल है, इसी तरीके से आप अपने स्टोर पर चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर टॉक टू चैट आईडी आएगी, ऐड करने के बाद आपका टॉक टू स्पेशली आपके स्टोर पर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। करना चाहें तो करिए, अभी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से आपसे ले लेंगे, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं सेलर पैनल पर, ये डिटेल्स सारी फिल कर लीजिएगा प्रॉपरली। वापस आते हैं डैशबोर्ड पर, यहाँ पर स्टोर इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दिया, कमीशन आपका कितना बना वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कस्टमर की स्पेशली आपके पास इंक्वायरीज आएंगी आपके स्टोर पैनल से, आपके फ्रंट पैनल से, वो यहाँ पर आपको शो होंगी, यहाँ से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉग आप अपने बना सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग आप अपने लॉन्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने स्टोर फ्रंट पर। कमीशन इनवॉइस आपको यहाँ से मिलेंगी, जो भी आपकी कमीशन इनवॉइस मिलेंगी, जो भी आपकी कमीशन इनवॉइस बनेंगी, वो आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बल्क प्रोडक्ट अपलोड एक्सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। यहाँ से आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। डेमो लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, डाउनलोड टेम्पलेट, यहाँ से आपको टेम्पलेट मिलेगी, ये टेम्पलेट आ गई, इसको हम ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टेम्पलेट है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट से रिलेटेड अनदर डिटेल्स नीचे अलग टैब्स में हैं जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेज लिंक यहाँ पर आएंगी जो आपको देनी है प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल में चलते हैं, 93 आईडी है हमारे प्रोडक्ट की जो हमने रखी है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज की आईडी होगी वो भी 93 ही होगी, ये रही प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इस तरीके से स्पेसिफिक आपको एक प्रोडक्ट की इमेज आईडी भी देनी है। यहाँ इमेज लिंक आएगा, शॉर्ट ऑर्डर आप लगा सकते हैं 123, आप चाहें तो एक्स्ट्रा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है अगर आपने पहले अमेजोन वगैरह पर या अपनी वेबसाइट पर काम किया है तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर, इसके अलावा आपको वापस बार बार डैशबोर्ड पर आने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, आप सीधे यहाँ से उनको कवर कर सकते हैं, जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। शिपिंग रेट्स में आ जाते हैं, शिपिंग रेट्स में आपको दिखा देता हूँ क्या है। आप अगर चाहें तो वेबसाइट पर शिपिंग रेट लगा सकते हैं वेट वाइज, यहाँ पर आपको पिन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किस कंट्री के लिए आप शिपिंग रेट लगा रहे हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी कंट्री है, मान लीजिए आपने यहाँ पर इंडिया पर शिपिंग रेट लगाना है, वेट वाइज लगाना है, तो आपको यहाँ पर जिप कोड देना पड़ेगा, जिप फ्रॉम एंड जिप टू, यानी कि इस जिप से लेके इस जिप तक, ठीक है, इतने वेट से लेके इतने वेट तक इतना प्राइस लगेगा। तो आप यहाँ पर वेट वाइज जो है वो शिपिंग चार्जेस अलग अलग कंट्री के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, स्टेट वाइज जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से सजेशन दूंगा कि आप शिपिंग चार्जेस ना लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, आप सब कुछ इंक्लूसिव रखिए,
आप कंट्री वाइज चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं तो, बाकी आप शिपिंग चार्जेस ना लगाएं, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई शिपिंग चार्ज लगवाना है तो आप मेरे को यहाँ से सीधे बोल सकते हैं, मैं आपके स्टोर पर स्पेशली वो शिपिंग चार्ज जो है अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो शिपिंग चार्ज आप यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। अभी हम वापस चलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से रिमूव एज अ सेलर भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अपना अकाउंट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से आपका अकाउंट हट जाएगा। चलिए वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर। अभी जल्दी से मैं आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स क्या है? कोई ओपन कार्ड के से रिलेटेड, जैसे मैं अभी आने वाले टाइम में ओपन कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पर सेल करूँगा, तो उनके जो सेटअप होंगे उनको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तभी मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि बायर जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर मेरी वेबसाइट से परचेज करेगा तो उसको मेरे मेल का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे अपने अकाउंट से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ वही है। अभी चलिए हम सीधे चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ कि आपको प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स ओपन कर लिया। ये यहाँ पर फिल्टर है, आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहें तो, अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज करना है, कोई सर्च करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं फिल्टर के थ्रू। अब यहाँ पे मैं सीधे जाऊँगा ऐड न्यू के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट का पूरा टैब ओपन होगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितने भी सेलर्स हैं मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ, आप जब भी वेबसाइट पर काम करें अगर आप एड ब्लॉकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कर दें, बंद कर दें, क्योंकि एड ब्लॉकर क्या होता है, सीधे सीधे एड ब्लॉकर या इस तरीके की जो भी क्रोम से रिलेटेड एक्सटेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर ब्राउज़र के ऊपर तो उस चीज़ में वो इंटरफेयर करती हैं, कहीं ना कहीं वो डिटेल भी लेती हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये नॉर्मल, मैं अपने व्यूअर्स से भी कह रहा हूँ और ये अपने सेलर्स से भी कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो हमेशा जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस हैं एंटीवायरस को छोड़कर उन्हें आपको बंद कर देना चाहिए। जैसे एड ब्लॉकर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी डिटेल जो है वो चुरा सकते हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सेलर जो जब भी ये पैनल पर काम करें एड ब्लॉकर वगैरह बंद कर लें। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, मैंने एक नेम दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर अपने हिसाब से कैसा भी लगा सकते हैं, वीडियो वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट का टैग क्या रहेगा? टैग आपको ऐड करना है, प्रोडक्ट टैग आप ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। जैसे ये कहाँ काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट टैग हमेशा वहाँ काम करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पर चप्पल जैसी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अब अभी अगर आप अपने हमारे यहाँ हमारे स्टोर पर या अमेजोन पर, अमेजोन का सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता है, अगर आप चप्पल ऐड कर रहे हैं तो हमेशा आपको टैग में चप्पल लिखना चाहिए, कॉमा लगाकर आप इस तरीके से और भी टैग ऐड कर सकते हैं। तो जो सर्च इंजन है वो इस तरीके से काम करने लगेगा कि भले ही कैटेगरी चप्पल की नहीं है लेकिन अगर यहाँ पर कोई चप्पल सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो शो होने लगेगा उस सर्च रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट टैग हैं वो प्रॉपरली ऐड करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट टैग आपकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट की उसको बढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी हो। फ्लिपकार्ट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अमेजोन को कवर कर रहा हूँ उसी में। अमेजोन का सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, ऐसे ही मेरी वेबसाइट भी यहाँ पर काम करेगी। तो आप प्रोडक्ट टैग प्रॉपरली दीजिएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट टैग हो गया, मान लीजिए मैंने टेस्ट ही लिख दिया प्रोडक्ट टैग, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। मेटा टैग टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये एसईओ से रिलेटेड है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको एक मेटा टैग और मेटा टाइटल का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च किया टी शर्ट्स मैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेटा टाइटल क्या है? ये मेटा टाइटल है जो आप देख रहे हैं, ये मेटा टाइटल है और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ज़रूरी होता है,
इनको आपको सही तरीके से डालना चाहिए। देखिए मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है ये, यानी कि ये वाला डिस्क्रिप्शन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेम आपका प्रोडक्ट गूगल पर इसी तरीके से शो होने वाला है। मैं आपको बता दूँ हमारी वेबसाइट का SEO बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और मेटा टैग कीवर्ड्स इसी तरीके से शो होने वाले हैं, मेटा टैग टाइटल भी इसी तरीके से शो होने वाला है। मेटा टैग कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने अभी टी शर्ट ऐड किया तो गूगल ने प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके मंत्रा का ये प्रोडक्ट मुझे दिखा दिया, तो यही टी शर्ट यानी कि ये मेटा टैग कीवर्ड हो गया, ठीक है। इतना बड़ा, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेलिंग पर बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाली हैं तीन चीज़ें, ठीक है। तो इनको प्रॉपरली ऐड करिएगा अपने प्रोडक्ट के अंदर। चलिए डाटा के अंदर आ जाते हैं, ये फीचर्ड प्रोडक्ट है, यस नो, कैटेगरी फीचर्ड यस नो, ठीक है, मॉडल क्या है इसका वो आप चाहें, ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है करिएगा, ठीक है। इसके अलावा टैक्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कौन सा टैक्स है इसका, फॉर एग्जांपल मैंने 18% ले लिया, क्वांटिटी कितनी है मान लीजिए मैंने 12 कर दी, जो आप चाहें करना चाहें कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी क्या है, अब देखिए जो सेलर्स हैं उनको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप कोई बंडल सेल कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो मिनिमम जिसकी 10 क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक तो प्राइस ऐसा नहीं देना आपको कि आप प्राइस सिंगल का दे रहे हैं, आप प्राइस सिंगल का दे रहे हैं यहाँ पर और क्वांटिटी आप मिनिमम 10 चढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। तो आप यहाँ पर जो एक तो टाइटल प्रोडक्ट का डालेंगे वो पैक ऑफ करके डालेंगे, यानी कि पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 12, अगर आप सिंगल सेल कर रहे हैं तो बात अलग है, अगर आप पैक करके डाल रहे हैं पैक ऑफ 10 है, पैक ऑफ 12 है, पैक ऑफ 100 है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जरूर। इसके अलावा आपको पैक ऑफ 100 का ही प्राइस डालना है, ठीक है, और इंक्लूसिव शिपिंग डालना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, मैं प्राइस डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने 120 कर दिया, ठीक है। आप लोकेशन चाहें तो दे सकते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट चाइना से है, कहाँ से है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप 10 से कम सेल नहीं करना चाह रहे, आप 100 से कम सेल नहीं करना चाह रहे, आप 1000 से कम सेल नहीं करना चाह रहे, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये मिनिमम क्वांटिटी है। सब्स्ट्रैक्ट स्टॉक यानी कि स्टॉक इसका सेल होने के बाद इफेक्ट होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वांटिटी 12 डाली है तो स्टॉक अगर आप नो कर देते हैं तो सेल होने के बाद भी ये स्टॉक 12 ही रहेगा, इसलिए इसको आप यस रखिएगा, तो ये स्टॉक अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा पर सेल के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता है तो आप इसको नो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मिनिमम क्वांटिटी आप यहाँ पर एक डाल सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी डालना ज़रूरी है। आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस क्या है, इसका मतलब यह कि प्रोडक्ट 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद 2-3 दिन वहाँ पर दिखाएगा। इन स्टॉक क्या है, यानी कि हमेशा स्टॉक रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी वो इन स्टॉक शो होगा। आउट ऑफ स्टॉक क्या है, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद सीधे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो होने लगेगा। इसके अलावा प्री ऑर्डर्स, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद अगर आप यहाँ पर प्री ऑर्डर्स कर देते हैं तो आपको मतलब जो और जो बायर है वो आपको पहले ऑर्डर कर सकता, स्टॉक नहीं है लेकिन बायर आपको ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, तो इसको आप इन स्टॉक अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। शिपिंग रिक्वायर है या नहीं, यस और नो, शिपिंग रिक्वायर है, ठीक है। ये डाटा डेट अवेलेबल है तो इसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा, बाई डिफॉल्ट ये रहेगी, जिस दिन आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसी के हिसाब से रहेगी। अब देखिए इसके अलावा जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो किस हिसाब से है, सेंटीमीटर मीटर इंच आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो डायमेंशन हो गया, ये वेट हो गया, वेट आप किस हिसाब से डाल रहे हैं, किलोग्राम ग्राम, तो ये जो यहाँ पर डिटेल हैं ये बायर को शो नहीं होने वाली, ये डिटेल यहाँ पर किस लिए हैं, आप यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल डाल रहे हैं, अगर आपने शिपिंग चार्ज लगाए हुए हैं तो वो शिपिंग चार्ज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेट वाइज शिपिंग चार्ज लगाए हुए हैं तो वो शिपिंग चार्ज इसी डिटेल के हिसाब से कैलकुलेट होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये डिटेल यहाँ पर जो आप डाल रहे हैं ये डिटेल बायर को शो नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप शिपिंग चार्ज लगाने वाले हैं, वैसे तो मैं कहूँगा फिर भी ना लगाएं, अगर आप लगाने वाले हैं तो आप यहाँ पर वेट और यहाँ पर टाइप, वेट का टाइप प्रॉपरली डालिएगा, यहाँ पर आप जो वेट का टाइप डालेंगे वही टाइप आपको, फॉर एग्जांपल आपने वेट क्लास आपने किलोग्राम लिया है तो शिपिंग चार्ज में भी आपको, जब आप शिपिंग चार्ज सेट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको किलोग्राम ही लेना है, ठीक है। ये वेट तो आपको डालना आता ही होगा, अगर आप किलोग्राम में डाल रहे हैं, 400 ग्राम का प्रोडक्ट है तो 0.4 रहेगा,
ठीक है, अगर आप ग्राम में डाल रहे हैं तो सीधे 400 रहेगा और यहाँ पर आप ग्राम कर देंगे उसको, ठीक है। स्टेटस प्रोडक्ट का इनेबल ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का शॉर्ट ऑर्डर है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, छेड़िएगा नहीं। लिंक में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर, ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर यहाँ पर आएंगे जो भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बालासंस, गौराई प्लाजा, ठीक है, ये सब ऐड हैं। तो अगर आप सेलर हैं तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेम आएगा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप मैन्युअली यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ऑटो आएगा, आप ऑटो सर्च होगा, ठीक है। यहाँ पर मैनुअल आप ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा कैटेगरीज, कैटेगरीज भी ऑटो सर्च होंगी, आप मैनुअली कैटेगरी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कुछ भी डालिए, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, फॉर एग्जाम्पल शर्ट, टी शर्ट, देखिए मैंने शर्ट SHIR डाला और आप देख सकते हैं शर्ट आ गया और टी शर्ट भी आ गया। तो आप इस तरीके से कैटेगरी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली कैटेगरी आएगी। आप मल्टीपल कैटेगरी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना है, अगर आप प्रोडक्ट होल सेलिंग में देने जा रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि आप यहाँ पर एक कैटेगरी ज़रूर ऐड करें, होल आप डालेंगे तो होल सेलिंग प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कैटेगरी हमने स्पेशली बनाई हुई है अपने होल सेलर ड्रॉप शिपर्स के लिए, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस टैब के अंदर जो है वो शो होने लगेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा गलती से भी उस प्रोडक्ट के अंदर आप ये कैटेगरी ना डालिएगा जिस पर आप होल सेलिंग नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके प्रोडक्ट परमानेंटली रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा ताकि आपको और मुझे दोनों को प्रॉब्लम हो, आपकी भी मेहनत ख़राब हो। अगर आप प्रोडक्ट होल सेलिंग के अंदर नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर होल सेलिंग बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं होल सेलिंग में प्रोडक्ट, तो ये मैंडेटरी है देना। यहाँ पर नहीं देते हैं तो सीधी सी बात है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वेबसाइट पर नहीं आएगी, तो सेल भी नहीं होगी। फिल्टर क्या है, फिल्टर अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया हुआ, इसको मैं बाद में ऐड करूँगा, बाद में मैं आपको किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, अभी फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिल्टर मतलब होता है कलर वाइज फ़िल्टर हम यहाँ पर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। मान लीजिए इस प्रोडक्ट का कलर मेरा ब्लू है, अब मैं ब्लू का अगर फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ, कोई अगर हमारी वेबसाइट पर ब्लू कलर के फ़िल्टर्स उसको शो होंगे कलर वाइज, जैसे फ्लिपकार्ट पर शो होते हैं, तो फ़िल्टर अगर वो ब्लू पर क्लिक करेगा तो ब्लू प्रोडक्ट आपका शो होने लगेगा ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये वही फ़िल्टर है, साइज़ के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर मैंने अभी ऐड नहीं किए, फ़िल्टर मैं अभी ऐड करूँगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। डाउनलोड प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ से आप वो लिंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने डाउनलोड्स में प्रोडक्ट ऐड किया हुआ होगा, ठीक है, ये उसके लिए है। रिलेटेड प्रोडक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। चलिए एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स सेम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये एट्रीब्यूट्स है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, ये एट्रीब्यूट है स्पेसिफिकेशन, इस तरीके से एट्रीब्यूट्स जो होंगे, तो आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इनको आप मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो एट्रीब्यूट लिए, तो जो एट्रीब्यूट्स मैंने अवेलेबल कराए होंगे वही आपको शो होंगे, बॉक्स साइज, कलर, वेद, यहाँ आप सर्च कर लीजिएगा जो भी आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐड कर दूंगा, इसके अलावा आपको मेरे को सजेशन देना है तो वो एट्रीब्यूट्स भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कलर, आप यहाँ कलर लिखिएगा, एट्रीब्यूट्स इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ ऐड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो शूज़ में साइज़ होता है तो वो साइज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये भी बाई डिफ़ॉल्ट है जो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, आप इसको बना नहीं सकते, तो आपको मेरे को पहले बोलना पड़ेगा, तो स्पेशली आपके लिए वो ऐड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रो थीम का एक ऐड किया हुआ है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको भी आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल हम होम पर चलते हैं, यहाँ पर मैंने ये ले लिया, वर्डप्रेस की होस्टिंग ले ली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल ऑप्शन, ये वही है जो आप यहाँ पर अभी देख रहे थे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये यही ऑप्शन है अगर आपको इस तरीके से ऐड करना है तो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टोर विला एक्सेस प्रेस इस तरीके से ऐड किया हुआ है, इसके अलावा मैंने एक URL का ऑप्शन भी ऐड किया हुआ है जो मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस जो है वो अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट आप अगर अपने बायर को देना चाहें तो, स्पेशल बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आप होल सेलिंग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पर कस्टमर टाइप चूज करने हैं। तीन कस्टमर टाइप हैं यहाँ पर। एक नॉर्मल कस्टमर है जो होलसेलिंग के लिए आपको चूज नहीं करना है, इसको आप गलती से चूज ना करिएगा, वरना जो आप प्राइस होलसेलिंग के लिए दे रहे हैं वो एक नॉर्मल कस्टमर के लिए भी लीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्राइस एक तो सेलर लेना है, सेलर में इस कैटेगरी के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस ग्रुप के अंदर आप हैं। अगर आप सेलर हैं मेरी वेबसाइट पर, अगर आप अभी लिस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आप इस ग्रुप के अंदर हैं। अगर आप इस ग्रुप को यहाँ ऐड नहीं करते हैं तो आप खुद के अपने प्राइस फ्रंट पर नहीं देख पाएंगे कि फ्रंट पर मेरे प्राइस जो है वो किस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेलर्स अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। होलसेल बायर मैंडेटरी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के लिए दे रहे हैं तो आपको यहाँ स्पेशल के अंदर होलसेल बायर लेना ही लेना है। प्रायोरिटी आप डालें ना डालें, फॉर एग्जांपल मैंने वन डाल दिया, मान लीजिए मुझे यहाँ पर दो ऐड करने हैं। प्राइस कितना है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैं मेन यहाँ पर दे रहा था, यहाँ पर देखते हैं प्राइस। मान लीजिए यहाँ मैं 12 रुपये, यहाँ पर मैं 120 रुपये का दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं स्पेशल इसके लिए प्राइस कर सकता हूँ 50 रुपीज़। तो स्पेशली इस होलसेलर के लिए, जो हमारा रजिस्टर्ड होलसेलर है, इसको इस प्रोडक्ट पर 50 रुपये दिखाई देंगे। 50 रुपये प्लस टैक्स जो भी आपने लगाया 18-28, वो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको डालनी है, कब से लेके कब तक आप डेट दे रहे हैं। तो डेट आप अनलिमिटेड कितनी भी डाल सकते हैं, 1 साल 2 साल आगे तक की डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट आप करेंट डेट ना रखिएगा, एक दिन पहले रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डेट डालिएगा स्पेशल के अंदर, ये बहुत मैंडेटरी है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। अब इमेज में आ जाते हैं हम। इमेज में ये मेन इमेज है प्रोडक्ट की, यहाँ से आपको ऐड करना है इस तरीके से मेन इमेज। यहाँ पर आप अपनी इमेज ऐड कर लीजिएगा, यहाँ आपको सिर्फ अपनी इमेजेज ही शो होंगी, बाकी आपको अनदर कोई इमेज शो नहीं होंगी। अगर आप बैक जाएंगे तो यहाँ कोई इमेज आपको शो नहीं होगी, आप यहाँ से बैक नहीं हो सकते। तो ये खास बात है कि सेलर को सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इमेजेस शो होंगी यहाँ पर, अनदर किसी सेलर की यहाँ पर इमेजेस शो नहीं होंगी। तो आप यहाँ से इस तरीके से इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इमेजेस आप इस तरीके से यहाँ से जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की। शॉर्ट ऑर्डर आपको देने होंगे 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट, अभी ये ऑप्शन हमने शुरू नहीं किया है, ठीक है। रिवार्ड पॉइंट के रिगार्डिंग हम अभी ये ऑप्शन जो है वो शुरू करेंगे। SEO अभी आप छोड़ दीजिएगा, इसको इनेबल ना करिएगा, यहाँ कोई भी आप डिटेल ना डालिएगा। अगर आप अभी SEO में कोई डिटेल डालते हैं तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ना डालिएगा, ये दोनों चीज़ें आप लास्ट वाली अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने SEO शुरू नहीं किया है, ठीक है। SEO में अभी करूँगा जब आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। हालांकि हम अभी भी गूगल से सिंक्रोनाइज हैं, गूगल एनालाइज हमारी वेबसाइट से कनेक्ट है, लेकिन अभी मैंने गूगल बिजनेस जो है वो ऐड नहीं किया है। SEO गूगल बिजनेस से रिलेटेड है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप SEO करते हैं तो फिर हम सीधे अपने प्रोडक्ट्स की गूगल पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग होती क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए गूगल किस तरीके से एडवर्टाइज करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ सिर्फ UPC डाला, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक आ रहा है, एडवर्टाइजिंग लिंक, ये गूगल का एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरीके से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का भी, ठीक है। अभी आप SEO के अंदर कोई भी डिटेल ना डालिएगा, ठीक है दोस्तों, ये उसी के रिगार्डिंग है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है ऐड कर सकते हैं अपना वेबसाइट के ऊपर। सीधे आप इसको कंटिन्यू करिए तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट होम पेज पर आ जाएगा। तो आप इसके अलावा मैं यहाँ पर अभी और बहुत सारे टैब्स जो है वो ऐड करने वाला हूँ सेलर वाइज, अभी तो हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स होम पेज पर शो होने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं किसी के नहीं हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगे। इसके अलावा ये तो है ही है, सारे प्रोडक्ट सर्च करके देगा, ठीक है। सबसे खास बात क्या है कि हमारे स्टोर पर मैपिंग नहीं होगी, तो मैपिंग कोई किसी की नहीं कर सकता, सबको अपनी अपनी लिस्टिंग करनी है। यहाँ ब्राउज सेलर्स के अंदर बायर्स आपके स्टोर्स को देख पाएंगे, जो भी स्टोर्स हैं स्टोर फ्रंट यहाँ पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये डेमो है, अभी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आई थी तो हम उसको सही कर रहे थे, इसीलिए इस तरीके से स्टोर ये दिखाई दे रहे हैं। सेलर्स होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है यहाँ से आप मेरे को सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपके पास तो मेरा नंबर होगा ही। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सेलर के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ, ये मैंने साइन आउट कर दिया। यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो
अप्रूवल के लिए मेरे पास आएगा। तो हो सकता है मैं आपसे कुछ पूछ लूँ मेल पर, आप उसका रिप्लाई दे दीजिएगा मुझे, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इतना ही पूछूंगा कि आपको क्या प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, क्या प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं मेरी वेबसाइट पर। इसके अलावा एक चीज़ और है, पॉलिसीज़ का मैं कुछ सेलर्स को बता देता हूँ, हालांकि पॉलिसीज़ जो हैं वो मैं देने वाला हूँ बाई मेल। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास सेल्फ शिपिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपका अकाउंट यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। आपके पास लॉजिस्टिक सर्विस होनी चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल सेल्फ शिपिंग करनी है सबको। ठीक है, अगर आप सीओडी देंगे तो सीओडी भी आपके पास खुद का होना चाहिए। अभी मैं किसी को शिपिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा वही ऑप्शन है पहले की तरह, कम से कम 10 दिन आपको मिलेंगे अकाउंट अप्रूव होने के बाद। आपको 10 दिन में कम से कम 10 प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करने हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स होलसेलिंग के अंदर नहीं दे रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर नहीं दे रहे हैं, तो मे बी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 10 दिन तक कोई भी एक्टिविटी अपने स्टोर के ऊपर नहीं करते हैं, मतलब आपने अकाउंट यहाँ पर अप्रूव हो गया, आपने अपने स्टोर फ्रंट भी सही नहीं किया है, आपने कोई प्रोडक्ट भी ऐड नहीं किया है, तो आपका स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।